कल का सुनने थे कि बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे कि हेमंत के अगल बगल सब बिहारी लोग हैं, भोजपुरी लोग। अरे हेमंत जी, अरे लोबिंदा, आदिवासी भोले भाले हैं, बुर्वक ने चुतिया बनाना बंद कीजिए, आप में है हिम्मत है ताकत तो विधायक की इस्तीफा दीजिए। बॉडीगार्ड भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और सब सेवा भी चाहिए। आप उसी पार्टी को खराब कर रहे हैं। आप में जब उसी दिन मगर मर्द रहते लोबिंदा ना, आदिवासियों के शुभचिंतक रहते तो उसी दिन इस्तीफा दे दिए रहते जिस दिन विधानसभा उनको उनकी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। हेमंत सोरेन कोड़ा से मारने वाला मुख्यमंत्री, हम लोग इतना विरोध के दबाव में आया, भोजपुरी को छेतर नहीं कहा जाता है, वही मुख्यमंत्री है। और आप पिंटू को चैलेंज कर रहे हैं और इसको सुनील श्रीवास्तव को चैलेंज कर, आप ताकत है तो इसी बात है क्या ना जी, आपका बचाव का वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। जैसन गुरु वैसन चेला, हाउ बोलते हैं कि पकौड़ी बनाओ तो हाई बोलते हैं पंचर साटो गाड़ी चलाओ। और अथी जगन्नाथ महतो बोलते हैं सरकारी नौकरी जरूरी है। सब तो वही देखिए, हम आम में सब नंगे हैं। किसी भी आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इतना गंदा हो गया है ना कि किसी को जनसेवा से मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस के कुछ मंत्री को गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए ना, यहाँ इतना अंतर विरोध है। कौन सा मंत्री खकर के बोलते थे यही बन्ना गुप्ता किस क्षेत्र से आते हैं, भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, बोलते थे 32 ना लागू हुई, खाली मंत्री पद के लालच साइन कर दिए ना। आइए ना, लड़िएगा ना, गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा उनको। भारत जोड़ो, हाथ जोड़ो नहीं, गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा यहाँ पे। कुछ झारखंड में तो कांग्रेस साथ में है तो कितना विकास हो रहा है? साथ में नहीं, औकात में रखा है हेमंत सोरेन कांग्रेस को, औकात में रखा है। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अहम मुद्दा है और खास मुद्दा है। कहते हैं कि जब बातें निकलती हैं तो दूर तलब जाती हैं, चाहे वो आम हो या खास, खास करके जब वो खास हो तो और ज़्यादा वो दूर तलब जाती हैं और एक बात के कई बात निकल जाते हैं सामने, कई मायने निकलते रहता है उसका और ये बातें बढ़ते रहती है। हम फिर से बात करेंगे आज एक बार प्रदीप तिवारी से। जैसा कि आप सभी को पता है, 1932 के बाद चाहे वो जयराम महतो हो या जयराम महतो के साथी हो, 1932 के पक्ष में, तो वहीं यदि हम बात करें विपक्ष की तो कैलाश यादव हो या प्रदीप तिवारी हो, लगातार अपनी बातों को वो लोग रखते आ रहे हैं। और यदि हम प्रदीप तिवारी की बात करें तो हर नेताओं पे, यदि हम यूँ बात करें तो हर पॉलिटिकल पार्टियों के जो भी राजनेता हैं उनके भाषणों पर खासा ख्याल रखते हैं और लगातार बातें करते हैं, क्योंकि भाई जनता है, जनता को बोलने का हक भी है। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, उसका जवाब भी कई लोग देते आ रहे हैं, चाहे कमेंट बॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए, या जो जिनकी बातों को लोग सुनते हैं वो कैमरे के जरिए। फिर से हम बात करते हैं, आज फिर से बात करेंगे हम, क्योंकि फिर से सुर्खियों में है JMM के विधायक लोबिन हेम्ब्रम। तो वहीं कुछ बातें यह भी निकल के आ रही है कांग्रेस की कि जो जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था तो अब सोच बातें यह भी सामने आ रही है हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने वाला है। तो वहीं झारखंड की यदि हम बात करें राजनीतिक गलियारों की तो जोहार पार्ट टू का शुरुआत होने वाला है। हम बात कर लेते हैं, हालांकि जयराम महतो पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कई खबरें यह भी आ रही है कि जयराम महतो का बहिष्कार हुआ था। भाई किसने किया था, क्यों किया था, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बातें जब निकलती हैं तो दूर तलब जाती हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं प्रदीप तिवारी। तिवारी जी नमस्कार। लो सभी दोस्तों, चैनल के सभी दर्शक के भोजपुरिया भाई के प्रणाम जोहार। प्रदीप जी, हम शुरुआत करेंगे JMM के विधायक लोबिन हेम्ब्रम से। क्यों आप लोग उनकी बातों पर इतना आक्रोशित हो गए हैं? कौन, वही लोबिन हेम्ब्रम है ना जिनको उनकी पार्टी बोलने नहीं देती है, वही लोबिन हेम्ब्रम जो बोले थे कि 32 अगर ठीक से लागू नहीं हुआ तो हम लोटा लेके खाली पैर निकल जाएंगे। तो जब लोबिन हेम्ब्रम का पार्टी सीरियस नहीं लेता, हम क्या सीरियस लेंगे? लोबिन हेम्ब्रम जी कल का सुनने थे कि बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे कि हेमंत के अगल बगल सब बिहारी लोग हैं, भोजपुरी लोग। अरे हेमंत जी, अरे लोबिंदा,
आदिवासी भोले भाले हैं, बुर्वक ने चुतिया बनाना बंद कीजिए, आप में है हिम्मत है ताकत तो विधायक की इस्तीफा दीजिए। बॉडीगार्ड भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और सब सेवा भी चाहिए, आप उसी पार्टी को खराब कर रहे हैं। आप में जब उसी दिन मगर मर्द रहते लोविंदा ना आदिवासियों के शुभचिंतक रहते तो उसी दिन इस्तीफा दे दिए रहते जिस दिन विधानसभा उनको उनकी पार्टी ने बोलने नहीं दिया। और आज आप बोलते हैं कि पिंटू और सुनील श्रीवास्तव, विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य को 10 लात मारने लगे तो उठेगा? आइए ना, हिम्मत है तो आके फरिया लीजिए, चैलेंज करते जैसे आपने हेमंत को चैलेंज किया ना, चैलेंज करते। आप में हिम्मत है तो विधायकी से इस्तीफा दीजिए और आदिवासियों के हित में लड़े लड़िए, मैं आपका चरण धो के पी लूंगा। है आप में हिम्मत, गुल भी खाइएगा, गुलगुला से परहेज भी कीजिएगा। भोजपुरी में कहावत नहीं, खसिया खा ली खसिया फलाना बुकाइन लागेला, वही हाल है इनका। इनको एक्चुअली इनका पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है। जब से हेमलाल मुर्मू का सुने कि जेएमएम में वापसी का बात हुआ तब से इनको लग गया है कि हमारा तो सब कुछ खतरा में है, प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना चाहिए। हेमंत सोरेन कोड़ा से मारने वाला मुख्यमंत्री है, हम लोग इतना विरोध के दबाव में आया, भोजपुरी में छेतर नहीं कहा जाता है, वही मुख्यमंत्री है। और आप पिंटू को चैलेंज कर रहे हैं और इसको सुनील श्रीवास्तव को चैलेंज कर, आप ताकत है तो इस्तीफा दे के आइए ना जी, आपका बचाव का वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। और वहाँ पर जब पाकिस्तान से जाके आदिवासी बोले बोले तो बुरोक बनाना चाह रहे हैं आप, ये नहीं चलेगा। अगर ताकत है, क्योंकि आप दो दो बार बोल के अपना मुंह से पीछे हट गए हैं, हिम्मत है तो विधायक की छोड़ के आइए, लड़ाई लड़िए, तब आदिवासी आपका साथ देगा। आदिवासी बुर्वक नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोविन हेमरम को आप ये कहना चाहते हैं कि जेएमएम को छोड़ करके आप आए कि आपके पीछे कितना लोग है दिखाएं? आप एक आध को मीटिंग किए थे ना 32 के हेमंत के विरोध में, वीडियो विजुअल मैंने भी देखा था विभिन्न चैनल पे, कितना लोग उसी के साथ साफ दिख गया। हमने तो एक डिबेट टीवी डिबेट में भी इनसे बोला था कि आप सच्चे समर्थक हैं 32 के, सच्चे हितैषी आदिवासियों के, तो आप इस्तीफा दे के आइए ना बॉस। तो इस्तीफा देंगे तो इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि इस्तीफा देंगे तो अस्तित्व बचेगा नहीं। इसीलिए ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए कुछ एक लोगों को टारगेट कर रहा है, बोलते बिहारी है, मुँह पर आइए ना, ताकत बोल के दिखाइए, जो बोलते हैं ना कि आइए तो है ही, आइए ना दिखा देते हैं, आइए, क्यों पब्लिक को बुरक बना रहे हैं आप? मतलब जेएमएम के लिए क्या ये घातक साबित होना होंगे? देखिए आप को भस्मासुर, कुछ कुछ लोग बोल रहा कि भस्मासुर हो जाएंगे और सरयू राय से तुम ऐसे सरयू राय बन जाएंगे क्या? ही सरयू राय जैसा उच्च स्तर का नेता बन जाएंगे क्या? ये देखिए आपको नहीं देखते थे राक्षसी सेना में पीछे से वो भाला लेके हुल हुल करते रहता, वही हुल हुल करने वाला है। इन्हें इन्हें कहे ना उन्हें कहे ना, 3 में ना 13 में है, इनका कोई सुनवे नहीं करता है तो वहाँ जाकर माइक पकड़ के चिल्ला रहे हैं, कोई वैल्यू है क्या इनका इनके पार्टी में? मतलब ये कब करना चाह रहे हैं, इनका अपना जनाधार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप एक आध को मीटिंग करके इनका देख लिए ना, हम लोग विजुअल देखे थे कितना लोग हैं इनके साथ में, ये खाली प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे। जब से हेमलाल मुर्मू वापस पार्टी में आना चाह रहे हैं तो इनका अस्तित्व क्या बचा है जी? जो आदमी खुद मुंह से बोल दिया इनको, इन्हीं का पार्टी विधानसभा में बोलने नहीं देता, आप नहीं समझ इनका क्या अस्तित्व है? इसी समझ रहे इनका क्या अस्तित्व है? ये खाली अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए उल्टा सीधा बोल के, ताकि कुछ मीडिया वाले लोग मेरी बातों को सुने, इसीलिए लाइमलाइट में आने के लिए ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन 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 हम बात करेंगे तो क्या जिस तरह से वो जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के आसपास में लोग हैं, क्या मुख्यमंत्री को असर पड़ेगा, उनको हटाएंगे वो? देखिए वो तो हम तो कई बार आपके मीडिया चैनल से बोले हैं, मुख्यमंत्री अगर भोजपुरी विरोधी है, अब 32 समर्थक है, तो हम तो चैलेंज कर रहे हैं, हम भी मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं कि हटा के दिखा दीजिए ना, हम झारखंड छोड़ देंगे बगैर भोजपुरी के, बगैर एकीकृत बिहार के लोग रहे वाला के बगैर ना चली झारखंड, चैलेंज बा हमार ना चली। उनके मुख्यमंत्री के सुरक्षा कार्यक्रम में जितना भोजपुरी बोले 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 हटा देश बोली ना कि उनका ना चल पाई, वो जाना चाह है यही से। अब अक्षरा सिंह बोले लेना, सुनत पवन सिंह खेसारी लाल यादव के बोले कहीं जानता नहीं, वो बिना उनका भीड़ ना नहीं के जुटे वाला। पट्टू की बात कर रहे हैं जी? जी सुने की जोहार खतियानी जोहार आता है पट्टू चलने वाला, तो देखिए शायद वहाँ खेसारी लाल थी पवन सिंह और कौन कौन को ना बोला बीमार होगा फिर उनको भागना पड़ेगा, वो तो होबे ना करेगा भैया, होबे ना करेगा। खाली आप वहाँ लोग मुख्यमंत्री के भाषण तो सुनने थोड़े गए थे, वो अक्षर सिंह को देखने गए थे, इसी कारण ना कुर्सी टूटा, वो टूटबे करेगा। लेकिन हम बात करते हैं पारसनाथ का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए पारसनाथ मुद्दे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय कर रही है। वहाँ जैन मुनियों 24 तीर्थंकर थे, 32 को मठ कैसे बन गया? धर्म के नाम पर अतिक्रमण क्यों होना चाहिए? हमारे आदिवासी भाई का पूजनीय धार्मिक स्थल है वहाँ, हमारा रंगगुरु कुर्मी और महतो भाइयों का भी वहाँ एक धार्मिक स्थल है। आप किसी एक धर्म के लिए
दूसरे धर्म के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। वहाँ निश्चित तौर पर हमारे आदिवासी भाई के साथ अन्याय हो रहा है, और मैंने एक आदरणीय, कोई किसी भी धर्म का गुरु आदरणीय होता है, मैंने एक आदरणीय धर्म गुरु का प्रवचन सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत जी कितना पैसा चाहिए बोलिए, जैन धर्म लोग पास बहुत पैसा ठूस ठूस के दे देंगे, आप धर्म को पैसे से आंक रहे हैं। मैंने हमारे आदिवासी भाई का पैसा नहीं तो हम पैसा नहीं है तो हमारे धार्मिक गुरु का अपमान कीजिएगा, नहीं बर्दाश्त होगा। और जहां मरांग गुरु की रक्षा की बात होगी हम लोग भी हर कदम पर आदिवासी भाइयों के साथ खड़े हैं, किसी कीमत पे धर्म का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और धर्म की राजनीति शुरू से केंद्र सरकार भी की है, उसी के ढर्रे पे अब ये राज्य सरकार भी चल रही है। हम लोग किसी कीमत पे आदिवासी भाइयों के मरांग गुरु के साथ और कुड़ी महतो भाइयों के हमारे धार्मिक स्थल के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। वही यदि आप केंद्र की बात किए तो 32-32 आप लोग हल्ला कर रहे हैं इधर, अमित शाह जी तो भाई गृह मंत्री जी 64 दे गए। अरे हम तो सुने थे उसी दिन से हम सोच रहे थे ना कि वो बोल रहे थे कि हेमंत जी सत्ता छोड़ दीजिए हम विकास करेंगे, बोला कि आप लोग भी तो उनके खिलाफ है हेमंत सर। नीतिगत विरोध है, नीतिगत 32 पे विरोध है, एकदम है 32 पे विरोध था, है और रहेगा। और हम तो शुरू में बाबूलाल मरांडी द्वारा डेमोसाइल लड़ाई कही थी उस समय में भी था, उस समय भी मुकदमा हुआ और आज भी मुकदमा हुआ, 32 का विरोध तो शुरू से है और रहेगा। लेकिन उन्होंने अमित शाह ने जो कहा कि हम विकास कर देंगे, इतना दिन से नोचत रहन का झारखंड, जब से झारखंड का गठन भइल बा सबसे ज्यादा पार्टी कौन राज किया है, इतना दिन नोचत रहन का बोलते हैं कि रोजगार देंगे, माफ कर दिए अमित शाह जी प्लीज, पैर पड़ते हैं जो सात हर साल 2 करोड़ रोजगार के साथ 7 दिन 14 करोड़ हुआ ना, माफ कर दीजिए, मत दीजिए 14 करोड़। मैंने बताइए घर घर से बच्चा बच्चा को पकड़े DC SP आप बना दे रहे हैं, ऐसे कैसे चले, घरों में बच्चा लोग पढ़ने भी दीजिए, जबरदस्ती नौकरी दे रहे हैं आप। अभी तो 14 करोड़ रोजगार मिला ना, रेलवे ने कितना पैसा लिया 7 साल में फॉर्म भरने के नाम पे, कितना एग्जाम कंडक्ट कराए, कितने लोग को नौकरी दिए पता कर लीजिए, ठगते हैं यहाँ आके, पब्लिक ठगाने वाला नहीं है। बोलते हैं विकास कर रहे हैं, इतना ही नोचत रहे भाजपा शासन करके। आप बोल रहे हैं किसी ने कुछ काम नहीं किया, तो वहीं यदि हम JMM की बात करें, चाहे केंद्र की बात, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र की बात करें, हर तो कोई अपने पर दावे दे रहा है। कई लोग बोल रहा है ब्रिज का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, फैक्ट्री का निर्माण किया वगैरह वगैरह, हर कोई अपने पर दावे कर रहा है। देखिए सड़क निर्माण करना और ब्रिज का निर्माण करना और बिजली उपलब्ध कराना जनता का मूलभूत सुविधा है, सड़क के बिना रह जाइए, पेटवा के बिना रह जाइए का, महंगाई नहीं दिख रहा है। आप देखिए जैसन गुरु वैसन चेला, हाँ बोलते हैं कि पकौड़ी बनाओ तो हाई बोलते हैं पंचर साटो गाड़ी चलाओ, और अथी जगन्नाथ महतो बोलते हैं सरकारी नौकरी जरूरी है, ओजा हो बने चाचा तो हैजा हाई बने भैया, दोनों आदमी मिल के ठगत लोग के सब, तो वही देखिए हम आम में सब नंगे हैं, किसी भी आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य इतना गंदा हो गया है ना कि किसी को जनसेवा से मतलब नहीं है, पार्टी सेवा से मतलब है, अपना सेवा से मतलब है, अपना सेवा से मतलब है राजनेताओं को। बहरहाल तिवारी जी चलते चलते अब हम बात कर ले थोड़ा सा राहुल जी पर जी। क्या कहेंगे जहां भारत जोड़ो यात्रा था, अब तो हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने वाला है। देखिए मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पे तो नहीं जाता, लेकिन झारखंड में कांग्रेस के कुछ मंत्री को गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल आप देखिए ना, यहाँ इतना अंतर विरोध है, कौन सा मंत्री खकार के बोलता था यही बन्ना गुप्ता, किस क्षेत्र से आते हैं, भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, बोलते थे 32 ना लागू हुई, खाली मंत्री पद के लालच साइन कर दिए ना, आइए ना लड़िएगा ना, गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा उनको, भारत जोड़ो हाथ जोड़ो नहीं, गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ गोड़ पड़ो यात्रा निकालना पड़ेगा भाई। खैर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रदीप तिवारी को आप सुन रहे हैं, तो शायद हमको भी कभी कभी डाउट लगता है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये सबको लथेड़ते हैं अपनी बातों से। आप हैं किस पार्टी से? तब देखिए मैं और मेरा परिवार जन्मजात कांग्रेसी है, लेकिन सच के साथ हूँ, सच के साथ हूँ। अगर आप गलत करेंगे तो विरोध करूँगा, सही कहेंगे तो सही करूँगा। आप देखिए ना, किसी भी मंत्री का चलने दे रहा क्या हेमंत सोरेन? बन्ना गुप्ता को देख लीजिए, चाहे बादल पत्रलेख को देख लीजिए, झारखंड में तो कांग्रेस साथ में है, तो कितना विकास हो रहा है? साथ में नहीं, औकात में रखा है हेमंत सोरेन कांग्रेस को, औकात में रखा है। कितना विकास हो रहा है अब देख लीजिए ना भैया, रोजगार दे 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 यो, यो, मोदी जी टाइप को घर घर से पकड़ के, मैंने 6 महीने का बच्चा को पकड़ के रोजगार दे दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो भाई जैसा कि ये यही कह रहे हैं प्रदीप तिवारी कि भाई हम सच के साथ हैं, तो कांग्रेस ही लेकिन है सत के साथ, सच के साथ यदि हम बात करें तो जो सही है उसी के साथ है भाई, पब्लिक हित में जो है, जनता के हित में है, क्योंकि हम लगातार वही कर रहे हैं। बहरहाल चलते चलते एक सवाल
एक बीच में खबरें वायरल हो रही है, इस पर आप भी चर्चा कर रहे थे, क्या जयराम महतो का क्या क्यों वहाँ पे पारसनाथ में क्या कुछ हुआ था? देखिए, मैंने भी देखा था कि जयराम महतो का पारसनाथ में विरोध हुआ। विरोध की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जिस तरह मंच पर उनका विरोध हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ मामला यह है कि जयराम महतो को भी तो वहाँ पे हर धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी रांची में मैंने एक चैनल में देखा कि रांची में लोग बोल रहे हैं जयराम बच्चा है, अजय तिर्की की क्या जो वो सम्मानित है उन्होंने कहा वहाँ विरोध। अभी तो विरोध की प्रक्रिया शुरू हो गई, हर मुद्दे पर राजनीति की विरोध होगा ही होगा ना। हम तो उन्होंने कहा कि बच्चा, हम तो उनके एक सहयोगी का भी मैंने बात सुना, हम लोग तो भैया बाबूलाल मरांडी के समय डोमिसाइल पर लड़ाई में भी लड़े थे, मजबूती से लड़े थे, मुकदमा झेले थे और आज भी झेल रहे। उसमें कहाँ थे जयराम जी? हर मुद्दे पर आप ये कीजिएगा राजनीति की, तो विरोध तो होना जायज है। वहाँ पे मैंने भी देखा जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ धर्म के नाम पे राजनीति जहाँ भी होगी, वहाँ आज के डेट का कोई भी युवा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे संथाली हो, जागृत है, और धर्म के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, रोजगार के नाम पे राजनीति करिए ना, कीजिए ना आप, जनता के मुद्दों पर राजनीति कीजिए। जनता उसी के लिए तो आपको चुनती है, क्योंकि हम फिर से वही कहेंगे कि पहले आप विधायक और सांसद बनते हैं, उसके बाद मंत्री का पद आप हासिल करते हैं। लेकिन जो जनता आपको चुन कर भेजती है, उस जनता के लिए आप कितने खड़े उतरते हैं कि 5 साल में एक बार जाते हैं उस जनता के पास हाथ जोड़ी करने? इस बार तो साढ़े चार साल के सहू निकाल दिया हमने, या आपके लिए बहुत सारा कुछ कर दिया, फिर से मैं आपके लिए ये लेकर के आ रहा हूँ, इतने इतने शिलान्यास कर दिया, इतने इतने फीता काट दिया, आप हमें वोट दें, फिर से मैं आपको बहुत सारे चीज़ों को लेकर घरों में आपके क्षेत्र में भर देंगे हम। तो भाई, जनता आपको चुन रही है वादों के लिए नहीं, क्योंकि आप इतने वादे कर देते हैं ना कि जनता भी उब जाती है, और शायद आपको भी याद नहीं रहता है 5 साल में कौन सा पूरा किए कौन सा पूरा नहीं किए। तो वादे उतना ही बार कीजिए जितना चल जाए, जनता के लिए काम कीजिए। जनता आपको चुनी है अपने दुख तकलीफ को कम करने के लिए, तो जनता के मुद्दों पे आप रहें तो शायद आपको ये 5 साल में एक बार जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जनता के बीच रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो जनता आपको घर बैठे चुन देगी। क्या मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप यही बातें इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल बनकर लगातार वही उठ रहा है, लोग इसीलिए अब कैमरे पर भी खुलकर बोल रहे हैं। फिलहाल प्रदीप जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा भी भोजपुरिया भाई का प्रणाम, धन्यवाद। बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ और मिलते हैं अगले खबर को लेकर। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।